Hey everyone, please subscribe to the channel and press the bell icon to stay connected with Mom's Healthy Kitchen. Hey everyone, welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए आलू टिकिया की रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही इजीली बनेगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 6 आलू ले लिया है बॉइल्ड और इनको मैंने ग्रेट कर लिया है, आप मैश भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्रेड दे दिया है तोड़ के, मैंने 5 ब्रेड्स ले लिया है, आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट दे दिया है, 1/2 टीस्पून मैं शुगर डालूंगी, शुगर हमारा ऑप्शनल है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून मैं चिली पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून डालूंगी मैं हल्दी, 2 टेबलस्पून क्रश गार्लिक जिंजर एंड अनियन डालूंगी। हाथों की मदद से इसे हम मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से हम अपने आलू टिक्की को शेप दे देंगे। पैन को गरम करके 2 टेबलस्पून हम वेजिटेबल ऑयल डाल के ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे। अब एक एक करके हम हमारा टिकिया डाल देंगे और इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे लो फ्लेम पे। देखिए हमारा टिकिया पक चुका है, इसे आप हरी चटनी या फिर रेड चटनी के साथ खाइए। चटनी की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।